सिंगरौली में हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ने से क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों ने मूर्ति तोड़ने को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन ने भगवान हनुमान की नई मूर्ति स्थापित करने की बात कही है। सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत समुद में 90 वर्ष पुराना ऐतिहासिक महावीरन तालाब के पास हनुमान मंदिर की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू कर लिया। सूचना मिलने पर कई हिंदू संगठन के लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हनुमान जी की टूटी हुई मूर्ति को विसर्जन करवा दिया और जबलपुर से नई मूर्ति भी मंगवा ली। वहीं लोगों का कहना है कि हनुमान मंदिर पर ही बीते दिनों असामाजिक तत्वों ने लड़ाई की थी, जिसमें शंका है कि वही व्यक्ति ने हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ा है, इसलिए मूर्ति तोड़ने वालों पर पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई करे। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया, पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बम्पर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था, एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है। अरे किशन भैया, कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।